मुलायम सिंह जी ने मुझे किसी सरकारी मामले में डांटने का काम नहीं किया था और सरकारी मामले में भी उनको डांटने का अधिकार नहीं है। वह प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं हैं, वह मात्र एक राजनीतिक पार्टी के मुखिया हैं। तो पहली बात तो यह कि वह प्रशासनिक मुद्दा नहीं था, दूसरी बात वह वर्तमान में कोई संवैधानिक पद नहीं है, अतः उन्हें मुझे डांटने का या वो डांटना नहीं था, धमकी देने का कोई अधिकार नहीं था। इस मामले को लेकर के आप आगे किस तरीके से बढ़ेंगे? मैं और मेरी पत्नी नूतन आज हम दिल्ली जा रहे हैं, आज हम गृह मंत्रालय के समक्ष अपनी पूरी बात रखेंगे और इस मामले में विशेष करके चूंकि यूपी पुलिस में हमें खुद भी लगता है कि वहाँ की सुरक्षाकर्मी पर उस हद तक वर्तमान स्थितियों में विश्वास नहीं हो पा रहा है, हम केंद्रीय बल से सुरक्षा की मांग करेंगे। साथ ही साथ इस पूरे उपक्रम को, जो घटनाक्रम हुआ है, उसको इस सीबीआई जांच के लिए भी केंद्र सरकार से निवेदन करेंगे कि वो अपने स्तर पर भी इस संबंध में हमारी सहायता करें। वही महिला जिसकी कोई मुकदमा लिख नहीं रहा था कथित रूप से, वह सीधे डीजीपी के पास पहुंचती हैं, डीजीपी स्वयं इसमें कहते हैं थाने को मुकदमा दर्ज हो जाए, चीजें इतनी तेज होती हैं। तो जब डीजीपी जैसे पद के अधिकारी स्वयं इन चीजों में स्पष्टतया सामने संलिप्त हो जाएंगे तो अधीनस्थ अधिकारियों की क्या हैसियत होगी, इस बात को समझा जा सकता है। मैं राजनीति नहीं करता, दूसरी बात एक्टिविज्म या सोशल वर्क के लिए नौकरी छोड़ने का कोई कारण नहीं है, और तीसरी बात जब मैं नौकरी में हूं तब तो मेरी यह दुर्दशा करना चाहते हैं, यदि मैं नौकरी से अलग हो जाऊं तो शायद मुझे किसी चौराहे पे खुलेआम मार डालें।